सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गो माता, जय भारत। भाइयों, आज ये दो भाई देख रहे हो आप, तो ये मिंटू है, तो ये महावीर, तो ये दिल्ली से आए हैं भाई। ये तो ये सादा भाई के पास, तो ये गाय खरीदने के लिए, तो कुछ हमारे भाई ये बता रहे थे कि भाई रेट नहीं बताया। तो देखो भाई, रेट तो जो मालिक आकर सौदा करता है, जो पशु को देख के, तो पशु को देख के पता चलता है कि वो माल है कितने रुपए का। तो सदा भाई ने बताया था कि जो हमारे यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है, तो आज रेट भी बुझेंगे और गाय का मतलब रेट देख के ये इनके ज्ञापन कौन कौन सी है। तो सदा भाई से पहले तो हम शुरुआत करेंगे, तो वो गिर गाय की करेंगे। तो हाँ जी सदा भाई, हाँ तो ये गिर गाय का रेट बताओ आप। 65,000 कितनी है? ये अभी 15-20 दिन का टाइम है जी, बच्चा देना। अच्छा, 20-22 दिन लेगी। और वो तो जो ये फर्स्ट टाइमर में कितना दूध दिया इन्हें? फर्स्ट टाइमर में दिया जी इसने 12-13 लीटर। अच्छा भाइयों, देखो ये जो 12-13 किलो दूध दिया, जो गिर गाय है ये प्योर, इसके जो कान वान भी दे सको, और ये जो हेड है सबसे अच्छी पहचान जो गिर गाय की है, जैसे कि समझो उल्टा तवा, ये उल्टा तवा हो गए, और ये जो कान है जो बिल्कुल नीचे से ये मिले हुए, तो ये गिर गाय के बॉडी स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं। अब देखो नीचे जो जो ये जड़थन भी देखो, और भाई देखो चला गए। और ये भाई कोई जो मतलब फ़ोन करें तो वो कृपया करके अगर जिस भाई को लेनी है तो वही फ़ोन फान करें, मतलब ऐसा आदमी परेशान ना करे, ठीक है जी। इसे दिखाओ, देखो भाई। और ये गाय है तो फर्स्ट टाइमर है ये, अभी इसके बयान में जो लेगी 5-7-10 दिन, अभी 15 दिन। देखो भाई, मेरा भी आंकड़ा ऐसा है कि मैं अभी पशु में रहता हूँ, तो आंकड़ा ऐसा लगे कि ये गिर गाय भी 12 किलो दूध दे देगी वो आराम से, हाँ, और ये भी 12-13 किलो दूध दे देगी भाई। ये भी फर्स्ट टाइमर है, जो मेरी आंकड़ा है वो कम भी दे सकती है और ज़्यादा भी दे सकती है। देखो नीचे, तो आप बता रहे थे। अच्छा भाई, इसके पैसे कितने भाई? 56,000 है। अच्छा भाई, ये देखो इस गाय के रुपये जो 56,000, थोड़ी क्रॉस है, इस साहिवाल ज़्यादा है। अच्छा सादा भाई, आप जो वो थन की बात बता रहे थे कि वो थन की क्या गारंटी है, अगर जो भाई जो कि कोई पशुपालक की गाय लेगा, वो थन की कैसे गारंटी होगी भाई? सर, हम फोड़ के भी दिखवा सकते हैं, किसी को टेस्ट करना हो तो धार मार कर देख सकते, मतलब दूध से दूध मिला लेंगे, सारा दूध एक सार होगा, तो वो बिल्कुल थन पास है जी, जी। तो वो जो आप बता रहे थे एक बार फोड़ के दिखा सको? हाँ तो दिखाओ एक बार। तो ये देखो भाई, अगर ज्ञापन गाय लेनी है वो थन कैसे, ये थन को कैसे फोड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ एक थन में दिखा दो बस। तो भाई, ये जो हमारे जो ताऊ जी है, तो ये ताऊ जी ये बोल रहे कि एक तो दतने की, हाँ अच्छा भाई, एक तो दतने की गारंटी है और जो इनकी थनु गारंटी है, हम लोग जो है चेक करके लाते हैं। और भाई देखो, मतलब दूध तो अपनी किस्मत का है भाई, कोई मतलब जैसा गेरेगा तो वैसा ही दूध वो निकाल लगा, जो वो थोड़ा है बांसा दबा लो भाई। देखो भाई, देखो भाई, दबो नीचे दबो, देखा देखा मैंने, देखो तो ये, हाँ तो ये चेपा है, है? तो ये चेपा अगर जो चरु थन का जो बराबर है तो समझो फिर वो पास है भाई। देखो भाईयो, देखो मैं ये जो फिर दोबारा हूँ, तो ये दो थनों का जो चेपा है, जैसे चेपा बोलते हैं, अगर चेपा बराबर है तो वो मतलब थन मानो कि वो पास है। देखो जी, तीसरे का चेपा बिल्कुल बराबर है, वो चौथे का भी दिखा भाई, गारंटी होती है थनों। हाँ लिया भाई, देखो भाई क्या कहने। देखो भाइयों, ये जो सादा भाई ने दिखाया है जो करके, जो ये मतलब आप जो ज्ञापन पशु लोगे अगर उसकी जांच करनी है, तो ये चर्रू थन का जो चेपा है, देखो ये सब बराबर है, आप देख सकते हो, तो यही चेपा 20 दिन का टाइम भी ले सकती है। हाँ 20-15 तो ले ही लेगी। अच्छा, इसके आपने 56,000 बताए भाइयों, जो इसके रुपए है जो 56,000 है, आप पीछे से भी देख लो एक बार इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसी, तो ये खार की है ना, तो भाइयों ये पहली बार की है। अच्छा जी, तो ये बताओ भाई, तो ये दूसरी बार है जी, सेकंड बार है, चला के दिखा, ये साहिवाल की और जर्सी की ये क्रॉस है, देखो देखो ना बाबू, तो एक बार वो दिखा थोड़ा अपने पशुपालक को टेलर। देखो भाइयों, ये भी है गाय, देखो इसके जड़थन देखो एक बार अच्छी तरह। तो सता भाई, इसका रेट क्या है? तो भाइयों, इसका रेट जो मतलब गाय का है वो जो 65,000 रुपये है, तो ये भाई आए हैं जो, तो ये गाय को लेने के लिए है ना, वो आपके आपके माध्यम से मिला डॉक्टर। तो जो भाइयों,
जो ये आए हैं जो पशुपालक के माध्यम से आएंगे तो वो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको बचाया जाए। पर फिर भी ये कह रहा हूँ इनके सादा भर के सामने, भाई अगर जो गाय बिहारी है 3 टाइम दूध लो, बिल्कुल एकदम ठोक बजा कर लो, और ठोक बजा आपको जो यहाँ पैसा देना है, कोई पैसा आराम का नहीं है। अच्छा भाई, और बल्कि सादा पे नहीं बल्कि किसी व्यापारी पे भी, मतलब कोई चीज़ ले तो जो बिना जो विश्वास के ना करो, विश्वास किसी पे भी ना करो भाई, जो चीज़ लेनी है जो पैसा देना है। और हमारा कर्तव्य है भाई, कोई भी आएगा तो उसे रेट भी वाजिब दुआओगे, मतलब जो सादा को कह सुन के कहकर 2 पैसे कम करेंगे अपना, कोई मतलब इसमें बीच में कोई कमीशन पमीशन नहीं है, ना तो लिया ना लिया ना कभी दिया। तो भाई जो कि हमारा यही एक मुहिम है कि भाई अपने पशुपालक है उसे रेट भी जायज मिले और जो पशुधन अच्छा मिल जाए। तो बताओ ठीक है, जो आपके द्वारा ये चलाई गई है कि हर घर देसी गोवंश, हर खूटे देसी गोवंश जी, तो उसी मुहिम के तहत हम यहाँ पर आए, आपके हाँ। थ्रू आए यहाँ पर गाय देखने के लिए, लेकिन थोड़ी मिक्स है लेकिन चल जाएंगी अगर हम इनके साथ ब्रीडिंग का काम करते हैं। हाँ। सही ब्रीडिंग का करते अगर हम जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करें तो अब जैसे ये गाय है तो इसमें मुझे लगता है कि 80% साहीवाल है। हाँ, हाँ, ठीक है, और इसमें अगर हम अच्छे बुल का सीमन रखवाते हैं या हम्पिंग कराते हैं बुल से, हाँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है, तो रिजल्ट ले सकते हैं, तो इसी वजह से हम आपके पास आए यहाँ पर। और बहुत बढ़िया के पास आए भाई, कोई भाई ये मतलब कह रहे थे भाई एक बार वीडियो में रेट नहीं खोला, तो मैं रेट भी भाइयों आपको खोल दिया है, और मतलब गाय को मतलब कि क्या बन गाय को जो पास करने का भी आपको एक नियम बता दिया है भाई, ये बड़े व्यापारी है, मार खाने वाले नहीं है, पर लेकिन मार तो देखो अगर कुदरत तो खुआ दे जो वो तो लाचारी है, पर ना वरना ये चीज को बहुत मतलब छाट कर आते हैं। 8445669195 तो ये सादा भाई का नंबर है भाइयों। और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ जो गाय अगर ब्याह गई तो ब्याह हुई तो आकर लो, आके मतलब 3 टाइम दूध देकर ले सकते हैं डॉक्टर साहब, 2-3 दिन दो के 5-6 टाइम देख सकते हो। अभी उसका बच्चा मर गया तो जो हम आते बता दे भाई इसका बच्चा मर गया तो ये गाय अभी सेट नहीं हो रही, तो भाई देखो सच्चाई से भी पैसा मिलता है, अगर आदमी सच्चाई से काम करेगा तो जो पैसे खूब मिलते हैं, जो पैसे ईमानदारी से करो, अगर जिसने जो हराम की खानी जो मतलब कर ली, जो मतलब झूठ और चोरी जाए तो जो ये झूठ तूफान बोलने सीख गया तो फिर वो मतलब ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, वो तो बहुत कम ही दौड़ा। हमारा ये नहीं क्या, हमें तो अभी तुम्हारी वीडियो पे आए हैं, हमारा तो ज्यादा लोकली माल भी बिक जाता था, और इतना माल हमारे पास भी नहीं है जितना हमारे कस्टमर की कॉल आ रही है। ठीक है जी भाई, वो मतलब कॉल तो जो है कि जब भी आओ ना, जब काम साफ सुथरा जो काम ईमानदारी का है ना, तो कि चैनल को इतना लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो, सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार, आपका बार बार धन्यवाद।